वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो ठंड बहुत बढ़ गई है चंडीगढ़ में, इधर नॉर्थ इंडिया में पंजाब वालों को पता होगा। तो देखिए पूरे पैक्ड हैं, जैकेट एंड ऑल। तो एनीवेज, तो जिसका आपको इंतज़ार था वो दिन आ गया, आ गया हमारे पास सेट ऑफ बॉक्स जियो का, विद लव फ्रॉम जियो, जियो डिजिटल लाइफ योर एंटरटेनमेंट गेटवे। तो इसी के बारे में आपको फुल डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ, क्या ऑफर हुआ है अब और क्या हिसाब किताब है इस सेटअप बॉक्स का और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं विद डेमो। ज़रूर देखिए वीडियो पूरा एंड तक, और इसके एंड में आपको बताऊंगा मेरे व्यूज़ किस तरह का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको बॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये है जियो का बॉक्स जो हमने आज इंस्टॉल हो गया है। तो अपने टीवी पे भी आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से आपको इसमें कंटेंट्स जो मिलते हैं, ये कि सेट टॉप बॉक्स है, इसके अंदर आप टीवी से कनेक्ट करना है, एचडीएमआई केबल मुझे मिल गई है, पावर केबल मिल गया है, और साथ में ये रिमोट है, स्मार्ट रिमोट है जिसमें आप वॉइस से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ, अभी आपको दिखाते हैं वहाँ पर जाकर। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ कि ये जो सेट टॉप बॉक्स है इसमें वाईफाई अनेबल्ड है, मतलब आपको लैन वायर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इन्होंने एडिशनल दे दी है अगर आपने लैन से कनेक्शन बनाना है तो इट्स योर चॉइस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आप रख सकते हैं। और हमने अपना ये जो सेट टॉप बॉक्स है टीवी वाला, ये कनेक्ट किया है अपने मेन जियो फाइबर से, तो जियो ये यहाँ लगा हुआ है। ये मेरा स्टूडियो, होम स्टूडियो कह सकते हैं, यहाँ पर मेरा पूरा सेटअप है। यहाँ मेन जियो का लगा हुआ है, इसके साथ मैंने राउटर लगाया हुआ है डोल बैंड टू गेट गुड स्पीड। और इस पर अगर आपको वीडियो देखने हैं तो मैंने बना रखे हैं, कार्ड्स पे डाल दिए, लिस्ट प्ले लिस्ट में भी हैं। तो ये चीज़ें दोनों कनेक्ट होने के बाद इनसे वाईफाई से कनेक्ट होता है हमारा सेट टॉप बॉक्स, दिस वन। अब ये कनेक्ट हो चुका है और इसके ऊपर और कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। और 7300 का ये कह रहे हैं सेट टॉप बॉक्स है। बाकी तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है और इसमें एक आपको मैनुअल मिलता है, तो इसमें कुछ खास चीज़ें लिखी नहीं हुई हैं, जस्ट बताया हुआ कैसे पेयर करना है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आपको क्लियर कर देते हैं कि काफ़ी हल्ला मचा हुआ था सेट टॉप बॉक्स का, ये होगा वो होगा, लोकल केबल को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो जियो का सेट टॉप बॉक्स आया है फिलहाल, इसमें जो अवेलेबल है वो ये है कि OTT सर्विस अवेलेबल हैं, मतलब कि जो सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, और वूट हो गया, आपका हॉटस्टार हो गया, एक सोनी लाइव हो गया, मतलब जो चीज़ें आपकी मोबाइल पे अवेलेबल हैं इंटरनेट से, टीवी से कनेक्टेड वाले, जैसे आप वूट पे बिग बॉस देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट शोज देख सकते हैं, जियो सिनेमा पे मूवीज़ देख सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं OTT डिवाइसेज, मतलब OTT सर्विसेज, मतलब जो इंटरनेट से चलती हैं, तो वो आपको इस सेट टॉप बॉक्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप सोच रहे हैं कोई डिश एंटीना लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई डिश एंटीना वाला सिस्टम नहीं है। अब बात करते हैं रोकड़े की, पैसा कितना लगेगा। ये फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री मिला मुझे, एक रुपया उन्होंने मुझसे नहीं लिया। तो क्या उन्होंने लिया, आज है 21 दिसंबर, और आज के दिन जितने भी फ्री प्लान्स चल रहे थे जियो फाइबर के, वो बंद हो गए हैं। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो आज चारों तरफ आग लगी हुई थी, सबका नेट बंद हो गया सुबह, और मैसेज आ गया कि आपका जो 40 Mbps जो मैंने आपको पिछले दिन कुछ दिन पहले बताया था वीडियो में कि आप फ्री में रिचार्ज कर लीजिए, पता नहीं कब बंद हो जाए, तो वो घड़ी आज ही आ गई है। इन्होंने सारे वो फ्री वाले प्लान्स बंद कर दिए और उन्होंने कहा आप माइग्रेट हो जाएं पेड प्लान्स पे। तो पेड प्लान्स में सबसे सस्ता प्लान जो है 799 वाला है, और वो टैक्स डाल के आपको 1000 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। वो जब आप देंगे तो आपको मिलेगा क्या, 100 Mbps स्पीड का ये नेट, उसके साथ आपको सर्विसेज मिलेंगी फ्री, जो कि ये पेड सर्विसेज OTT सर्विसेज, एंड इसके अलावा आपको ये जो जियो सिनेमा एंड ऑल दैट, उसमें और सेटअप बॉक्स आपको मिल जाएगा, 1000 रुपये भरने पड़ेंगे, और इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। और इसमें लिमिट आपको कॉम्प्लीमेंट्री, अभी 200 GB तो आपको वैसे मिलेगा, 200 GB कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 400 350 400 GB के आसपास आपको डाटा मिलेगा सबसे मिनिमम प्लान में,
मैंने कौन सा लिया है, मैंने लिया है गोल्ड प्लान। अब गोल्ड प्लान में इनकी स्पीड है 250 Mbps के तक, कहने को है अभी मैं चेक करूँगा मुझे उतनी मिलती है या नहीं मिल रही है, क्योंकि वो प्लान अभी मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ वो आप पूछेंगे सवाल। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इनिशियली जो फ्री वाले प्लान से इन्होंने एक मिडल का एक ब्रिज बनाया कि आपको 7 दिन का एक प्लान दे रहे हैं ताकि आप बिल्कुल विदाउट नेट ना हो जाएं, तो इन 7 दिन में आप सोचें कौन सा प्लान लगाना है। तो वो मैंने पहले एक आज ही सोच लिया और मैंने वो 250 रुपये का एक्टिवेट, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, वो 7 दिन के बाद एक्टिवेट होगा, उसमें मुझे 250 Mbps की स्पीड मिलेगी। तो वो मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा कि वो प्लान में एक्चुअल में वो स्पीड मुझे मिल रही है या नहीं, तो वो आप जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या लगता है कि वो 250 GB वाली 250 Mbps वाली स्पीड मिलेगी या नहीं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, आपके विचार जानना चाहता हूँ मैं। तो वो जब हो जाएगा टेस्ट तब मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ सेटअप बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है। तो आपको क्लियर हो गया सेटअप बॉक्स कब मिलना है, मिनिमम 1000 रुपये पर महीना जब आप भरेंगे तब आपको सेटअप बॉक्स फ्री मिलेगा और तभी ही मिलेगा इसी प्लान पे, मिनिमम 1000। जो मैंने लिया है, मैंने लिया 1500 रुपये वाला, तो 1500 रुपये में मुझे नेट ज़्यादा चाहिए तो मुझे अराउंड 500-600 उसमें नेट मिल जाएगा GB, एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें सेम है। तो यही हमारे मतलब के प्लान हैं, इसके आगे वाले जाएंगे वो बेकार है, वो मतलब एज ए मिडल जो मैक्सिमम पब्लिक यूज़ करेगी उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से गोल्ड प्लान इज़ द बेस्ट, और जो मुझे मेरे यूसेज के हिसाब से, जिनका यूसेज थोड़ा सा कम है तो वो सिल्वर ले सकते हैं। सिल्वर है 1000 महीने का प्रति मंथ, इसमें नेट मिलेगा आपको 100 Mbps का, और जो मैंने लिया है 250 Mbps का नेट मिलेगा, उसके साथ TV सेट टॉप बॉक्स चलेगा। अब जो इतना शोशा मच रहा था ये मिलेगा उसमें वो मिलेगा, मिल क्या रहा है, सेट टॉप बॉक्स में आपको मिल रहा है ये OTT एप्स। अभी TV कॉलिंग की कोई ऐप उसमें नहीं है, मैं सर्च कर चुका हूँ। गेमिंग जो है आप कह रहे हैं गेमिंग मिलेगी, गेमिंग उसमें है, मैंने डाउनलोड की है, अभी सिर्फ बच्चों वाली गेमें हैं उसमें, और एक मैंने डाउनलोड करके देख भी ली है। जो हाई एंड गेमिंग है वो अभी या तो उन्होंने अभी ओपन नहीं किया अभी, क्योंकि आज ही मैंने लगाया, तो थोड़ा सर्च करूंगा गेमिंग के ऊपर फोकस्ड वीडियो आप चाहते हैं कि बनाऊं कि ये सेटअप बॉक्स पे किस तरह की गेमिंग जो उन्होंने लिखी हुई है वो डाउनलोड करके आपको दिखाऊं डेमो, ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, डिमांड आएगी उस वीडियो की, तो मैं गेमिंग पे फोकस करके बना दूंगा। फिलहाल जो मैंने गेम डाउनलोड की है वो एक बच्चों वाली गेम है, वो आपके रिमोट से भी चलती है। तो अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ अपने TV के ऊपर, जहाँ पर आपको पूरा डेमो मिलेगा क्या क्या मिल रहा है, और रिमोट भी दिखाऊंगा। और एक चीज़ और उसके साथ आपको मिलती है, बताना भूल गया कि जो सेटअप बॉक्स है उसके साथ आपको बैक साइड पे USB पोर्ट मिलता है, जिसके आप अपना हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं ताकि आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह TV पे शेयर कर सकें सबके साथ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अभी कहने को बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं वेबसाइट के ऊपर कि इससे आप सिक्योरिटी कैमराज भी कंट्रोल कर सकते हैं, TV कॉलिंग कर सकते हैं, और फलाना फलाना आप जाके देख सकते हैं। बट एक्चुअल में जो अब चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, चल सिर्फ OTT एप्स रही हैं वहाँ पे। OTT एप्स में कौन सी, वूट उसमें इंस्टॉल्ड है, YouTube उसमें इंस्टॉल्ड है, एंड हॉटस्टार उसमें इंस्टॉल्ड है, गेम्स वाला मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं TV पे, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये रियर में आप देखिए, जैसे USB पोर्ट, ये आपके लैंड वायर के लिए HDMI, और ये इसका पावर, बस ये सिंपल सा आपका बॉक्स है। HDMI वायर आपकी HDMI पोर्ट पे लग जाती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके, वाईफाई से इनेबल्ड कनेक्ट कर चुका हूँ। तो इस तरह से ये स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, जियो का आपका जियो TV, जियो डिजिटल लाइफ, इसको मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, तो ऑटोमेटिक एक बार कनेक्ट होने के बाद अपने आप कनेक्ट होता है। नाउ डिसकनेक्टिंग, ये रेड चला गया इसका साइन, इसका कनेक्ट हो गया। दिस इज सेटिंग्स, इसमें आप सेट कर सकते हैं, दिस इज रिमोट, और ये हमारा है, और ये जो इसका ऑप्शन है इससे आप, तो फ्रेंड्स ये है, इसमें अगर आप वॉइस से कुछ सर्च करेंगे तो वो आप चैनल चला सकते हैं, प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं वॉइस को दबा के, एंड यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इसका स्मार्ट टच है, और यहाँ से होम, यहाँ से वो, अब आपको चला के दिखाते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो ये मैं ऊपर करता हूँ, तो इसमें आपको ये देखिए, ये OTT ऐप जिसमें ऑलरेडी हैं, JioTV Plus, JioTV Plus में अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको ये वूट खुल गया, तो वूट में ये देखिए बिग बॉस आ रहा है, एंड बिग बॉस 13, ये मूवीज़, और ये वूट के थ्रू आपके पास चैनल्स आ गए हैं, MTV आ गया है,
कलर्स, हिंदी, MTV, वूट ओरिजिनल्स, बीट्स, तो ये सारा कलर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। सीधा होम पर जाएंगे, फिर से अपना होम पैनल आएगा। उसी तरह आपके पास है हॉटस्टार, हॉटस्टार में आपको जो हॉटस्टार के जैसे ऐप में आपको चीज़ें मिलती हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगी। जैसे ये आपका हाउसफुल 4 मूवी आ रही है, ये जादू है, नज़र, तो ये शोज़ हैं जो पॉपुलर हैं। यहाँ TV कर सकते हैं आप, मूवी, स्पोर्ट्स, न्यूज़, न्यूज़ में जाएंगे तो ये न्यूज़ का आपका लाइव आ रहे हैं रिपब्लिक TV। और प्रीमियम में आपको पेड चीज़ मेरे ख्याल लेनी पड़ेगी, वो इसमें अभी ये फ्री दे रहे हैं आपको। वाओ, दैट इज़ ग्रेट। ये आपको लग रहा है इंटरनेशनल, एंड व्हाट इज़ इन द चैनल्स, तो चैनल्स में आपको स्टार प्लस आ गया, ये स्टार के सारे चैनल्स आ गए हैं, स्टार भारत आ गया, एशिया नेट आ गया, HBO ओरिजिनल्स आ गए हैं। तो इस तरह से आपको लैंग्वेजेस, जैनर्स पे जाएंगे, आपको जैनर्स देखने को मिलेंगे, रोमांस, ड्रामा, ये इन्होंने कैटेगराइज की हैं, फैमिली, रियलिटी टीवी में सब आ गए, बिग बॉस कन्नड़ का भी आ गया, वाह, कॉमेडी में, तो इस तरह से बड़ा कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको अभी इसमें अवेलेबल हैं। जैसे सोनी लाइव, तो इसमें सोनी में जो अभी इस टाइम आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा, और अदर पॉपुलर एप्लीकेशन, ये यूट्यूब आ गया आपके पास, एंड दिस इज़ जियो स्टोर, जियो सावन। तो अब मैं आपको गेम्स, ये मैं फ़ोटोज़ की बात कर रहा था जिसमें आप फ़ोटोज़ चला सकते हैं, एंड दिस आर जियो गेम्स, जेम्स गेम्स का भी आपको अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जो न्यू लॉन्च में आ रही हैं वो हैं ये हैं जो मैंने डाउनलोड करी है न्यू लॉन्च में आपके पास से आ रही हैं, डायनो किंग, थोड़ी बच्चों वाली गेमें हैं, दीज आर लूडो चैम्प, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जैसे कि ये चीज़ें आपको इसमें अभी अवेलेबल हैं, टीवी कॉलिंग जैसी, जैसे आप कह रहे थे कि मोबाइल से आपका कनेक्ट होकर टीवी वीडियो कॉलिंग हो जाएगी, वो फीचर अभी फ़िलहाल इसमें नहीं आया, तो जब आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दिस इज़ इट, यही अभी कुछ मिल रहा है, काम चलाने के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको, मेरा मेन फीचर है नेट, मुझे फास्ट मिलना चाहिए, वो अभी मुझे मिल रहा है, एंड नेट के साथ मुझे अब एक टीवी के ऊपर ये टीवी चैनल्स मिल गए हैं, स्मार्ट टीवी बन गया वो। और वैसे ओवरऑल मैं देखूं, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट का फोकस है, उसके साथ आपको एक टीवी का आपको साथ में फ्री में मिल रहा है, सो इट इज़ गुड चॉइस। और जहाँ तक बात थी डिश टीवी एंड ऑल दैट की, डिश एंटीना लगेगा, DTH आएगा, डायरेक्ट टू होम सर्विस, वो चीज़ें इसमें अभी नहीं है, यही आपको मिल रहा है जो मैं आपको अपडेट दे दिया है। तो इट्स अ गुड एट प्रेजेंट, क्योंकि मैं पहले एक लोकल नेट भी चला रहा था, वो भी मुझे 1500 रुपये ही ले रहे थे पर मंथ, और मुझे सिर्फ 300 GB डाटा दे रहे थे, वो भी 50 MBPS का, उसके साथ कोई TV की सर्विस नहीं थी। अब मैं उससे कंपेयर करूँ तो जियो मुझे 1500 रुपये में 500-600 GB डाटा दे रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ विच आई रिक्वायर। नंबर टू, मुझे TV सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, और सेट ऑफ बॉक्स मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, और इसके अलावा इसके साथ अलग अलग जो चीज़ें, TV कॉलिंग और ये जो चीज़ें जब धीरे धीरे ऑन होंगी तो वो भी मैं इसका कर सकता हूँ कनेक्ट। तो मुझे फ़िलहाल मेरे पुराने प्लान के हिसाब से इट इज़ वैल्यू फॉर मनी लगा, तो जो जो लेना चाहते हैं ज़रूर लें, क्योंकि आप जब लोकल सर्विस से हटेंगे, नेट जिनको यूज़ करते हैं जो, तो लोकल सर्विस वाला आपको सिर्फ नेट प्रोवाइड करवाएगा 1000 रुपये में, और ये आपको अच्छी स्पीड दे रहे हैं, साथ में TV की सर्विस दे रहे हैं, तो ज़रूर लगवाएं। और कोई भी आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या आप और कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं जियो सेट ऑफ बॉक्स के ऊपर विद रिगार्ड टू TV एंड ऑल दैट, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, ताकि जो जो ये लगवाना चाहते हैं उनके पास ये पहुँच जाए। थैंक यू।